हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर नंबर 13 में हम थर्ड क्वेश्चन कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो कॉम्पोजिट फंक्शन में हम लोग चेन रूल यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने ये एक्चुअली लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट किया, तो लेक्चर नंबर 11 का भी वीडियो देखना, लेक्चर नंबर 12 का भी देखना, और ये लेक्चर नंबर 13 में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी वीडियोस देखने से चेन रूल के आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही, और आपको पता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा वो यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही है, या तो पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे या तो पूछने वाले होंगे, वैसे क्वेश्चंस मैंने लिए। तो ये देखते हैं रूट साइन एक्स का कॉन्सेप्ट किस तरह से है। कि देखिए रूट साइन एक्स जो है, तो अच्छा एक और बात कि आपको पता कैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिया है तो वो चेन रूल का ही है, वो कब पता लगेगा तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो साइन एक्स को मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब रूट में अंत होता है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पावर में 1/2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, वो मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक, तो अगर मैं ये साइन एक्स को बदले अगर सिर्फ एक्स दिया होता, तो साइन एक्स के बदले अगर सिर्फ एक्स होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स के बदले एक्स होता और उसका पावर हाफ होता, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे डायरेक्टली। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आता उस केस में, 1/2 x^2 1/2 -1। ठीक है, तो और इसका भी आंसर अगर आप निकालना चाहो तो ये हो जाता हाफ में से, यानी कि -1/2 आंसर आ सकता, ऐसा होता। यानी कि आपको कैसे पता लगा कि चेन रूल यूज होगा, आपको कुछ ना कुछ रिप्लेस करके देखना है कि भाई इसको अगर हम एक्स रिप्लेस करके अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर रिप्लेस करके डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं तो समझो ये आंसर चेन रूल से का ही क्वेश्चन आपका है। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं और आगे देखते हैं इसको कैसे करना है, क्या एज्यूम करना है। आपको हमेशा जो भी दिया होता है उसको यू एज्यूम करना होता है, यानी इसको हम लोग यू एज्यूम करेंगे। तो मैं लिखता हूं लेट यू इक्वल्स टू साइन एक्स, नाउ डिफरेंशिएट करना है, बट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें u देखो, u के नीचे चेन रूल में x है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो क्या आएगा, d by dx of u equals to d by dx of ये sin x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, cos x, ये हो गया cos x। ठीक है, यानी du by dx का आंसर आ गया हमारा cos x। और देखना हमेशा कि जो भी आंसर आता है इसका वो x के टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में है तो ये आंसर सही है। अब ये du by dx आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी हमने चेन रूल का ये जो पार्ट था du by dx उसका आंसर हमारा आ गया। अब dy by du का आंसर आपको निकालना बाकी है। ठीक है, तो अभी देखो उसको कैसे निकालेंगे। तो मैं पहले लिखता हूँ क्वेश्चन क्या है, रूट साइन एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। उसमें साइन एक्स को हमने यू एज्यूम किया है तो ये होगा रूट यू। रूट यू को आप ऐसा लिख सकते हैं u^2 1/2, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में समझा दिया कैसे होता है। अब इसमें डिफरेंशिएट पहले करना है, डिफरेंशिएटिंग अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहले चेन रूल में y के नीचे u दिया, यानी इसको u के उसमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा d by du of y equals to d by du of, ये लिखना है u^2 1/2। ठीक है, अब u^2 1/2 का फॉर्मूला फर्स्ट नंबर के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो बस देखो x के बदले u है, यहाँ पे दोनों जगह u है या दोनों जगह x है। तो मैंने पहले भी आपको समझाया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 1 जो डिफरेंशिएशन का है उसमें मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए, y y होंगे तो भी ये फॉर्मूला यूज होगा, पर आंसर y के फॉर्म में आएगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे जेड जेड है तो आंसर जेड के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे वेरिएबल यू है दोनों जगह तो आंसर यू के फॉर्म में आएगा, तो हो जाएगा हाफ यू हाफ रेस टू सॉरी हाफ माइनस वन, तो इसका आंसर आएगा हाफ यू रेस टू माइनस हाफ, ठीक है। अब आगे मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में जैसा समझाया, हमें हमारा जो आंसर आता है डी वाई बाई डी यू का जो हमको इसमें रिप्लेस करना है वो कभी भी आंसर यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए इसको हम यू के बदले एक्स के फॉर्म में लेके आएंगे, तो लिखेंगे साइन एक्स, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या तो आपको रूट के फॉर्म में लिखना है तो भी चलेगा, ठीक है, आपको डिसाइड करना है कैसा करना है। मैं इसको रूट के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो रूट के फॉर्म में क्या होगा, साइन एक्स ये नेगेटिव पावर है तो साइन एक्स को नीचे लेके आओगे डिनोमिनेटर में, तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और पावर हाफ जो है उसको मैं रूट कर देता, यानी ऐसा हम लिख सकते हैं, जो हो गया डी वाई बाय डी यू का आंसर एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में दोनों आ गए, उसके बाद हम इसको यहां पे रिप्लेस करके लिख सकते हैं, देखो क्या आएगा, आपको लिखना है बाय चेन रूल, या तो लिखो बाय यूजिंग चेन रूल डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी यू का ये जो आंसर है वो यहां पे डाल दिया टू रूट साइन एक्स, डी यू बाय डी एक्स का आंसर जो हमें मिला था वो डाल दिया यहाँ पे, अब इसको हम मल्टीप्लाई में वन इंटू कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइड में टू रूट साइन एक्स, ये आया आपका आंसर, एक बार वेरीफाई कर लेता हूं करेक्ट, तो ये आपका आया आंसर, राइट। इस तरह से चेन रूल अप्लाई होता है। एक और सम मैं चेन रूल का लूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके बाद हम थोड़े हार्ड सम्स पे जाएंगे। मेरे लेक्चर्स आप कंटिन्यूस देखना, लेक्चर वन से आप स्टार्ट करना, लेक्चर नंबर 13 तक हम पहुंचे हैं, तो और भी काफ़ी लेक्चर्स मैं लेने वाला हूं इसके, आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, और आपको ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है, पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, पर्सनल कोचिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे मेरा अकेडमी चलता है बड़ौदा में, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।